ओके कंटिन्यू। तो स्ट्रिंग के हमने देखा कि बिल्ट इन स्ट्रिंग मेथड्स में बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं जिनको हम यूज करते हैं, तो हम यहाँ पर कुछ को यूज करके देखेंगे। अभी इस लेक्चर में भी देखेंगे 4 से 5, और नेक्स्ट लेक्चर भी जो होगा हमारा उसमें भी हम स्ट्रिंग से रिलेटेड जो भी बिल्ट इन स्ट्रिंग मेथड्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है स्ट्रिंग कैपिटलाइज। कैपिटलाइज मेथड इज इट रिटर्न्स अ कॉपी ऑफ स्ट्रिंग, यानी ये स्ट्रिंग को रिटर्न करता है जिसमें फर्स्ट लेटर जो होता है वो कैपिटल होता है। जैसे सेंटेक्स में है str.capitalize और पैरेंथेसिस लगा हुआ है, तो हमने क्या किया कि एक str में एक स्ट्रिंग दी और स्ट्रिंग में क्या किया इसको प्रिंट में डाल दिया str.capitalize, ठीक है। तो कैपिटलाइज के साथ हमें यूज करना है देन, तो क्या होगा कि इसका जो पहला लेटर आएगा यानी दिस में जो टी है वो कैपिटल आएगा हमेशा, ठीक है। पहला अक्षर किसी भी सेंटेंस का पहला अक्षर जो होगा वो कैपिटल में बना के देगा। नेक्स्ट है स्ट्रिंग सेंटर मेथड। तो दिस मेथड सेंटर मेथड रिटर्न्स अ सेंटर इन अ स्ट्रिंग लेंथ एंड विड्थ एंड पैडिंग इज डन यूजिंग द स्पेसिफाइड फिल कैरेक्टर्स एंड डिफॉल्ट फिलर इज अ स्पेस। इसका कहने का मतलब ये है कि जो आपकी स्ट्रिंग होगी वो भी सेंटर में होगी वो अकॉर्डिंग टू द विड्थ, और जो फिल कैरेक्टर में आप पहले और लास्ट में कुछ भी मतलब वो फिल कर सकता है जो आपकी स्ट्रिंग होगी वो एज इट इज़। और अगर मान लीजिए हम फिल कैरेक्टर कुछ नहीं देते हैं तो वो डिफ़ॉल्ट वो स्पेस काउंट करता है। तो फॉर एग्जांपल बात करें कि तो str दिस इज़ एन स्ट्रिंग एग्जांपल मैंने दिया, तो यहाँ पर क्या है कि मान लीजिए कि 40 की एक मैंने एक लेंथ दी है 40 में, तो 40 में क्या होगा कि जो जितने लेटर 40 के बीच में आ रहे होंगे यानी दिस इज स्ट्रिंग एग्जांपल, ये पूरा एक 40 ले लेगा जो पहले के अक्षर और बाद के अक्षर को क्या करेगा AA में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि हमने यहाँ पर फिल कैरेक्टर जो इस्तेमाल किया है वो A है। ओके प्रैक्टिकल करके देखिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थर्ड इज एन काउंट मेथड। द काउंट मेथड रिटर्न्स अ नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ स्ट्रिंग सब इन रेंज, यानी कि हमें ये देखना है कि पर्टिकुलर स्ट्रिंग वो कितने बार और पहले और आखिरी में आखिरी तक मतलब कितना लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मतलब स्टार्ट जीरो से होता है और लास्ट में लेंथ जो होती है स्ट्रिंग की लास्ट तक जाता है, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि कितने बार कोई स्ट्रिंग या सब स्ट्रिंग कितने बार वो वहाँ पर अकर कर रही है। तो जैसे मैंने दिया फर्स्ट स्ट्रिंग, तो दिस इज स्ट्रिंग एग्जाम्पल मैंने वो दिया, देन तो सब आई सब मतलब ये कि हमने आई सब में एक स्ट्रिंग मतलब आई को मतलब वहाँ पर डाल दिया और आई के बारे में काउंट अप कर लिया कि कितनी बार वो आई आया हुआ है। सो अप्रोक्सीमेट देखिए आपको दिस में आई दिखे एज में और स्ट्रिंग में 3, यानी 3 आपको आंसर इसका जो आंसर आएगा वो 3 आएगा। ऐसे ही बात करें कि अगर हम सब एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम मतलब कितना, तो जैसे एग्ज़ाम में एग्जाम्पल में है एग्ज़ाम तो दैट विल बी काउंट इन 1, ओके अगर इन पर्टिकुलर रेंज। तो नेक्स्ट इज एन स्ट्रिंग एंड विथ। एंड विथ मेथड में क्या होता है कि इट रिटर्न्स ट्रू इफ द एंड्स विद अ स्पेसिफाइड सफिक्स, यानी हम क्या करेंगे कि स्पेसिफाइड सफिक्स को क्या करेंगे क्लियर कर लेंगे यानी बना लेंगे और दी गई स्ट्रिंग में उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को देखेंगे उस जो हमने स्पेसिफाई की है सफिक्स टाइप का, तो अगर वो है तो वैल्यू ट्रू होगी अन्यथा वैल्यू फॉल्स प्रिंट करेगा। तो जैसे मैंने इसमें दिया दिस इज एन एग्जाम्पल एंड वॉव, तो सफिक्स में मैंने लास्ट में ये देखा कि दो हमारे पास ये एक्सप्लेनेशन होने चाहिए, तो हमने प्रिंट str.ends with एंड सफिक्स, तो ये क्या करेगा कि वैल्यू ट्रू कर देगा चूंकि मैं लास्ट में है। और अगर मान लीजिए कि हमें कहीं पर एग्जांपल में नज़र आ रहा है तो सफिक्स हमेशा लास्ट में होता है, मे बी कि इसका देखिए थोड़ा सा आंसर आप देखिएगा कि हो सकता है फॉल्स आएगा क्योंकि बिकॉज ऑफ एग्ज़ाम तो मिल रहा है लेकिन बट ये लास्ट में सफिक्स हमेशा बाद में देखता है वो लास्ट में एक सफिक्स टाइप का कि उसको कहीं मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, अगर है पर्टिकुलर अवेलेबल तो प्रिंट होगा, ठीक है। सो हम नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में हम स्ट्रिंग बिल्ट इन मेथड्स का डिस्कशन करेंगे। आई होप कि आप लोगों ने पहले से पढ़ रखा होगा और पढ़ रखा है मतलब ये कि नहीं कहेंगे कि होगा बिकॉज ऑफ कि आपने स्ट्रिंग के बारे में क्या कहते हैं डेटा टाइप्स में पढ़ा हुआ है। सो इसमें जो एक्स्ट्रा बिल्ट इन मेथड्स हैं उनको हम डिस्कस करते रहेंगे, सो हम आगे भी बिल्ट इन मेथड्स को डिस्कस करेंगे। ओके थैंक यू वेरी मच।